दोस्तों नमस्कार। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 मेडिकल के बाद की फाइनल कट ऑफ कब आएगी और जो कट ऑफ अब आएगी वो कितने नंबर भर कर आएगी। दोस्तों ये वो सवाल है जो बहुत ज्यादा आप सभी कमेंट करके पूछ रहे हैं। चलिए आज आपके डाउट दूर करता हूं। जीडी कांस्टेबल की पूरी जानकारी पाने के लिए आप आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर लेना। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे पहले तो हम टाइम की कि आखिर फाइनल कट ऑफ आने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यहां पर ये नोटिस आप देख सकते हैं, इसमें आप देख लीजिए डीएमई यानी कि मेडिकल की तारीख है 13 फरवरी लास्ट है। तो दोस्तों 13 फरवरी को आपके मेडिकल खत्म हो रहे हैं, कुछ दिन बचे हैं। इसके बाद में रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन है वो 3rd week of February to March में होंगे और इसके बाद में डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है तो रिजल्ट आपका लास्ट वीक ऑफ मार्च टू अप्रैल यानी कि मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के पहले सप्ताह तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा जो कि आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी। अब दोस्तों दूसरा सवाल है कि फाइनल कट ऑफ कैसे आएगी। तो दोस्तों आपको बता दूं जो आपके मेडिकल फिलहाल जिन विद्यार्थियों का चल रहा है उन्हीं विद्यार्थियों की फाइनल कट ऑफ आने वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की कि आखिर फाइनल कट ऑफ जाएगी कितनी और कितने तक बढ़ सकती है। दोस्तों देखिए अब मेडिकल लगभग खत्म हो ही चुका है, सिर्फ कुछ दिन बचे हैं 3-4 दिन। तो दोस्तों जो मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं आप उसके ऊपर गौर करना कि कितने विद्यार्थी पास हुए और कितने फेल। अगर दोस्तों एवरेज निकालें तो सभी स्टेट के एवरेज 50% विद्यार्थी जी हां 50% विद्यार्थी आधे विद्यार्थी मेडिकल टेस्ट में पास हुए हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा दूसरी बात अभी है कि ये आपकी कट ऑफ है वो अलग अलग स्टेट की है, इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कुछ स्टेट में 30% विद्यार्थी पास हो रहे हैं तो कुछ में 70% भी। अब दोस्तों इसके अलावा एक और ट्विस्ट है कहानी में कि जो आपके आप 50% विद्यार्थी फेल मान रहे हो वो फेल नहीं है, उनमें से दोस्तों बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन में पास होकर आएंगे। जी हाँ दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों का मैंने देखा बीपी में उनको पॉइंट दिया गया था, बीपी में उनको रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन दिया गया। तो दोस्तों जाहिर सी बात है अब बीपी उनकी सही हो ही जाएगी, पहली बार उनका मेडिकल वाइस लिए घबरा गए थे और उनकी बीपी कम या ज्यादा हो गई थी। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा, वो जिनको बीपी में निकाला गया था उनमें लगभग सभी अब दोबारा से पास हो जाएंगे। इसके अलावा बात करें वेट की, कई विद्यार्थियों को अंडर वेट या ओवर वेट में निकाला गया। तो दोस्तों इसकी बात करें तो वेट भी अब विद्यार्थी इतने दिनों के अंदर कम कर सकता है, तो इतने दिनों में जो वेट का पॉइंट जिनको मिला था वो भी दूर हो सकता है। हाँ कुछ पॉइंट है जैसा कि कलर विजन हो गया, इसके अलावा एक और दो पॉइंट हो रहे हैं जो दूर नहीं हो सकते, उन विद्यार्थियों को छोड़ दें तो और अन्य जो विद्यार्थी हैं वो दोबारा से अब पास होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों अगर एवरेज निकाल के चले तो मान के चलो कि 60 से 70% विद्यार्थी मेडिकल में सभी राज्यों में औसतन पास हुए हैं। कुछ राज्यों में 80% के आसपास ही जाएगा तो कुछ में 30% के आसपास भी रहेगा। अब दोस्तों बात की जाए मेरिट कितनी बढ़ेगी, तो दोस्तों यहां पर कंपटीशन की बात करता हूं। दोस्तों मेडिकल के लिए लगभग 2.5 गुना विद्यार्थियों को पास किया गया था, जी हां दोस्तों लगभग 2.5 गुना। अब इनमें से अगर मान लो आप किसी स्टेट में 50% मेडिकल पास लगाओ तो 2.5 गुना के आधा लगाएं तो 1.25 होता है, यानी कि कुछ विद्यार्थी जितनी आपकी वैकेंसी है उनके 25% विद्यार्थी बाहर होंगे, यानी 6000 वैकेंसी है तो लगभग 15 से 20 हजार विद्यार्थी इस प्रकार से बाहर होते हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स में यह आंकड़ा ज्यादा है, यानी मान के चलो लगभग 15000 से और 30000 के आसपास विद्यार्थी बाहर होंगे जो मेडिकल पास करने के बावजूद भी सिलेक्ट नहीं होंगे। अब दोस्तों बात आती है स्टेट वाइज कट ऑफ की, मैंने आपको आंकड़ा बता दिया है। तो दोस्तों स्टेट वाइज कट ऑफ की बात करूं तो यहां पर जो आपके अदर स्टेट है जैसे देखिए हरियाणा हो गया, राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली, इन स्टेट्स में दोस्तों जैसा कि मैंने मेडिकल का आंकड़ा देखा है यहां पर आपकी मेडिकल की कट ऑफ है वो 2 नंबर से लेकर और ऊपर 4 नंबर तक बढ़ सकती है। यानी कि दोस्तों मान लो किसी स्टेट की कट ऑफ 71 है तो अगर आपके 75 से ज्यादा नंबर है तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, यानी अगर आपके 3 या 4 नंबर ज्यादा है तो आपका सिलेक्शन दोस्तों जरूर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मान लो 1 नंबर है, आधा नंबर है, 2 नंबर है या 3 नंबर ज्यादा है तो आप दोस्तों बिल्कुल सेफ नहीं है, आप बॉर्डर के ऊपर है, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो भी जाए, हो सकता है आपका सिलेक्शन ना भी हो, ठीक है। ये बात तो होगी दोस्तों यहां पर कट ऑफ की इन स्टेट्स की। लेकिन कुछ स्टेट जैसे उड़ीसा हो गया, आपका आसाम हो गया, मेघालय, इस प्रकार से जो आपके छोटे स्टेट्स हैं जहां पर जनसंख्या कम है और मेडिकल में बहुत कम विद्यार्थी जा रहे हैं वहां की दोस्तों बात की जाए तो कट ऑफ आपकी 1 नंबर से लेकर और 3 नंबर तक ही बढ़ेगी, यानी कि उनकी कट ऑफ है वो कम बढ़ने वाली है क्योंकि वहां पर मेडिकल में विद्यार्थी
पास कम हो रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने मैं आपको मेडिकल टेस्ट की पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, और आपके में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और रिजल्ट का एक बार फिर से बता देता हूं, रिजल्ट आपका मार्च के लास्ट वीक तक आ जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।